हेलो एवरीवन, इसकी डिज़ाइन और इसका जो मैं बेस करी हूँ ना, तो वो मेरे एक दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगी। आज के वीडियो में पूरा एक साथ बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका ना कल नेक्स्ट वीडियो में मैं सब डाल दूंगी। इसकी डिज़ाइन मैं इसको कैसे ड्रॉ करी हूँ और इसको कैसे बेस करी हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ये फेविक्रिल कंपनी का सैप ग्रीन कलर ले रही हूँ और ये मेरा फ्लैट 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है। और ब्रश के बारे में पूरी डिटेल मैं कमेंट में इस वीडियो की पिन कमेंट में पिन कर दूंगी, ये वाले वीडियो की लिंक मेरे ब्रश के बारे में, तो जिसको भी देखना है वो कमेंट में जा कर के देख सकता है। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले आउटलाइन कर लूँगी अपने ब्रश से, ग्रीन कलर से, फिर उसके बाद ना उसमें वाइट बीच में लगा करके उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बस सिर्फ साइड हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा दबा दबा के करेंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस इसी तरीके से मिक्स करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मेरा स्पेशल थैंक्स, और मेरे थैंक्स सारे मेरे व्यूवर्स को जो मेरा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, तो उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। प्लीज़ इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहें। और देखिए ये वाली जो पत्ती है ना, वो नीचे का बेस ना सूखा नहीं था अच्छे से, और मैं करने लगी तो देखिए कैसे फैल गया, तो फिर मैं उसको छोड़ दी। फिर देखिए अब वो सूख गया अच्छे से, तो मैं अब वापस से उसके ऊपर ग्रीन कलर लगा रही हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा फैला करके ग्रीन लगा रही हूँ, मतलब हल्का सा आउटलाइन से थोड़ा बाहर, कि वो जो फैला हुआ है ना वो थोड़ा सा तो ढक जाए। तो बस इसी तरीके से लगाऊंगी इसमें ग्रीन कलर, और अब उसके बाद बीच में वाइट लगा करके इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और ये 000 नंबर के ब्रश से मैं बारीक बारीक ऐसे लाइनिंग कर दूंगी अपने लीफ में। और मैं अब ये फेविक्रिल कंपनी का ब्राउन कलर ले रही हूँ और उससे डंठल बनाऊंगी अपनी डिज़ाइन की। देखिए ब्रश के ना पूरे नीचे के हिस्से पे मैं कलर लगा के फिर उसको बस इसी तरीके से कर लूँगी। देखिए एकदम ध्यान से देखना, जो बिगनर्स है ना वो कैसे ये चीज़ करें, तो अपने हाथ है ना उसके ऊपर देखिए ऐसे रखें, इस तरीके से हाथ रख के हाथ के सहारे से लाइन करेंगे ना तो वो इधर उधर नहीं जाएगी, और अगर हाथ हवे में रख के करेंगे ना तो ज़रूर थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो हाथ में ना नीचे थोड़ा ऐसे सपोर्ट दे के करेंगे तो सीधे से अच्छे से मतलब बन जाएगी ये चीज़। देखिए जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ करना है कर लूँगी। और अब मैं अपने फ्लावर के लिए ना सबसे पहले गोल्डन येलो कलर को फिल कर लूँगी। तो ये मैं जो छोटी सी कली है ना उस पर बता रही हूँ, अभी पहले पूरा गोल्डन येलो फिल कर लेंगे। ये कैमल कंपनी का है कलर। देखिए कलर कभी भी लेना तो वो नाम के साथ में, कंपनी के साथ में कलर का नाम बताएंगे ना तो आप लोगों को सेम शेड मिलेगा, अगर दूसरे में दूसरा अलग अलग हो जाएगा दूसरी कंपनी में। और अब ना ये ऑरेंज कलर ले करके बस मैं देखिए नीचे से हल्का हल्का ऐसे उसमें शेड डाल दी हूँ। और अब ये ना वही ब्राउन कलर से मैं 2 नंबर के राउंड ब्रश से बस नीचे हल्का सा अपने कली में ऐसे बना दूंगी।
और अब 000 के ब्रश से मैं अपने फ्लावर में ऐसे आउटलाइन करूंगी। और ये ना मेरे पास ब्रश था, राउंड ब्रश, तो देखिए उसका ना ये थोड़ा सा ऊपर का खराब हो गया था, तो मैं उसको ऐसे बस कट कर दी ऊपर का। देखिए कट करके ना अब उसको अपने मरून कलर में लगा करके, और देखिए बस ऐसे ऐसे डैप डैप करूंगी तो वो उसके ऊपर डॉट डॉट आएगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। तो इसी तरीके से मैं अपने डिजाइन में कहीं कहीं देखिए, जिस दिन मैं लाइव करी थी उस दिन ना मेरे पास एक जन का कमेंट आया था कि मुझे सनफ्लावर का मतलब फ्लावर बना के बताओ, तो बस मैं बना रही थी ये। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम ही बनाई हूँ अभी, और मैं एकदम अपनी तरफ से ना एकदम कोशिश करी सारा इजी एकदम इजी मेथड में बता पाऊँ। बहुत ज़्यादा देखिए कलर्स वगैरह ना बिगनर्स लोग नहीं कर पाते हैं, जो एकदम न्यू होते हैं ना वो बस उतना कलर देख के उनको ऐसा लगता है कि अब बस हम नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैं एकदम इजी मेथड से कर पाई। कमेंट में बताना आप लोगों को मेथड मतलब कैसा लगा ये फ्लावर। देखिए बस इसी तरीके से मैं डैप डैप करके अब सबसे पहले ना इसमें हम लोग पूरा गोल्डन येलो फिल कर लेंगे। अब देखिए ये वाले ना ये ऑरेंज कलर है ना, तो इसको सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ झुकी हुई नीचे की पत्ती है ना उसमें नहीं, सिर्फ इसमें पहले सबसे पहले इतना लगाऊंगी देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ से तो नीचे झुकी की पत्ती है, नीचे साइड की मतलब पत्ती है। अब देखिए इसको, अब इसको यहाँ से शेडिंग करूंगी, देखिए देखिए बीच का सीधा, फिर यहाँ का ऐसे, फिर यहाँ का देखिए थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सा ना हम लोग ऐसे टर्न करेंगे, मतलब एकदम सीधा नहीं, देखिए हल्का सा मैं ऐसे घुमा के कर रही हूँ बस, ये ऐसे ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब ये नीचे का कैसे देंगे, नीचे का ऐसे किए ये नीचे साइड, ये हुआ। अब ये देखिए यहाँ का, यहाँ के ऐसे सीधा पहले कर लिए, और ये थोड़ा यहाँ पे ना कम रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा कम ऑरेंज रहेगा क्योंकि वो सामने की पेटल्स में कम शेडिंग दिखाई देती है, मुझसे ज्यादा हो गया। अभी मैं इसको सही कर रही हूँ। देखिए ऐसे ये हो गया कम, बस हल्का सा। अब ये देखिए हल्का सा ना इसको इसे घुमाना बहुत जरूरी है, ये ऐसे करके ना ऐसे घुमाना जरूरी है, हाँ ये ऐसे घुमाना, फिर ये ऐसे, अब ये साइड का ऐसे, देखिए ऐसे बस। अब इसी तरीके से सेम यहाँ का ऐसे घुमाएंगे हम लोग, ऐसे फिर इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, बस बन गया फ्लावर में हो गया। देखिए ये थोड़ा यहाँ ऑरेंज ज्यादा है तो मैं थोड़ा सही करी हूँ, ऐसे उठा के कपड़े से क्लीन करके सही करी हूँ बस। ये देखिए हो गई शेडिंग कंप्लीट, जय चुप रहो, ये हो गई शेडिंग कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग, और ये इसमें आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो आउटलाइनिंग करने के टाइम ये चीज ध्यान देना, देखिए ये जो बीच की पेटल्स है तो बीच की, तो ये देखिए बीच में तो हम लोग पहले ऐसे सीधा कर लेंगे, अब ये देखना ध्यान देना, देखिए ये साइड का ना पहले ऐसे घुमा लेंगे, फिर इधर का ऐसे, ये साइड का इस तरफ से जिस तरफ से पत्ती घूमी है ना उसी तरफ से घुमा लेंगे, इसको इधर से और इसको इधर से, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया। अब इसी तरीके से बस यहाँ के बीच की,
अब ये बीच में ना सबसे पहले ये जो गोल्डन येलो है ना इसको पूरा फिल कर लेंगे। फिर अब उसके बाद ना ये सेम ब्रश से क्या करेंगे कॉर्नर पे लेकर के ये देखिए ऐसे अब उसके बाद ना ये ब्रश के कॉर्नर पे लेंगे और अब ये देखिए ऐसे इसको ऐसे से फैला देंगे। देखिए अब ना इसमें सूखने के बाद में बाकी का कलर लगाऊंगी, अभी इसको एज इट इज छोड़ देती हूँ। तो अभी जब तक ना ये जिसमें मैरून कलर लगाई थी ना इसमें देखिए ऐसे होगी, ये देखिए इसमें वाइट, देखिए इसमें फिर कहीं कहीं व्हाइट डाल देंगे, देखिए ऐसे बस। तो ये सूखने के बाद ही करना है क्योंकि गीला रहेगा तो व्हाइट दिखेगा नहीं। और ये देखिए ज्यादा आगे इसमें, तो इसको कैसे कम करती हूँ। देखिए ना बस हल्का सा खाली लें इसमें, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा आ गया। देखिए अब ना उसी ब्रश से ना तो मैं इसमें ना हल्का ब्राउन से ना डॉट डॉट दे रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं इससे ज़्यादा ना लग जाए। तो फिर उसके बाद मैं क्या करी ना अपने 000 देखिए वही ब्रश से फिर बारीक बारीक वाइट से ना डॉट डॉट दे दी हूँ। और ये ना मैं लीफ में ना हल्का सा ना ब्राउन से भी मतलब कहीं कहीं जैसे लाइनिंग करी हूँ वो मैं बताना भूल गई थी। और अब ये चीज़ देखिए जहाँ जहाँ मुझे जगह खाली लग रही थी ना तो देखिए मैं वही ब्राउन कलर से ब्रश से कैसे मैं कर रही हूँ। बस मेरा ब्रश पे थोड़ा ध्यान देना, मैं ब्रश को देखिए कैसे लेके जा रही हूँ, पहले सीधा फिर ऐसे थोड़ा सा उसको हल्का ब्रश को टेढ़े करके छोड़ देंगे, पहले सीधा फिर टेढ़ा करके छोड़ देंगे, देखिए इसी तरीके से। अब ये चीज़ मुझे जहाँ जहाँ खाली लग रहा था अपनी डिज़ाइन में तो मैं उस वैसे ही फिल कर दी हूँ। और बनाने के बाद देखिए डिज़ाइन अच्छी लग रही थी, बस ऐसे ध्यान देना ब्रश को पहले सीधा फिर हल्का सा ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरीके से मैं अपना ये बना ली पूरा। और फिर उसके बाद ना फ्लावर के बीच में ना मुझे थोड़ा सा हल्का मतलब जैसे थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैं फिर ब्लैक से, मगर ये चीज़ जब वाइट सूख जाए ना तो उसके बाद फिर मैं ब्लैक से डॉट डॉट दी। देखिए जब दूसरा कलर दिखाना रहता है ना तो नीचे का कलर सूख जाए तब करें ना तो वो चीज़ दिखाई देती, वरना वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। और अब ये किनारे से ना बस हल्का हल्का सा मैं ऊपर के साइड में उठाऊँगी, और देखिए नीचे की साइड में नहीं उठाई उसको, बस डॉट डॉट करके दे दी हूँ अब बीच का। प्लीज़ कमेंट में बताना डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।